हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो सभी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं और टॉप 30 क्वेश्चन में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके जो परीक्षा पैटर्न आए उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और एक वीडियो आने वाली 15 मिनट के अंदर आपके जो है यहां पर 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। 20 नंबर और टॉप 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपके 20 नंबर पक्के हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के। और ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपने पसंद की, स्टार्टिंग के 10 मिनट में अगर आपने 100+ लाइक इस वीडियो पे किए, तो मैं सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा 11th 12th की, 10th की, जितनी भी बोर्ड क्लासेस हैं, सभी बोर्ड क्लासेस की मैं यहां पर जो है वीडियो बनाने वाला हूं सभी सब्जेक्ट की। तो आपके यहां पर जो नया पैटर्न जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। पहला क्वेश्चन है दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहां पर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप सभी को पता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अग्र में और प्रतीप में, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। जबकि वह अभिक्रिया जो एक दिशा में संपन्न होती है, यानी वन डायरेक्शन होती है, वो होती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, आप सभी को पता है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो है आपके यहां पर अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, धन विद्युतीय तत्व का यहां पर क्या होता है, संयोग होता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीकरण। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन बी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपका राइट आंसर है। इमली में पाए जाने वाला अम्ल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। इमली में पाए जाने वाला अम्ल है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। तो आपका टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सही है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाने वाला जो है यहां पर अम्ल है। सिट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू में होगा, एसिटिक आपका जो है सिरके के अंदर होगा, हाइड्रोक्लोरिक आपके आमाशय पेट के अंदर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक होता है। रक्त समूह की खोज किसने करी, तो कार्ल लेडिस्टीनर ने, ऑप्शन ए सही है इसका, कार्ल लेडिस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। वही मैं बात करूंगा, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है, तो आईजीएम आपका प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। यहां पर प्रतिजन से प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा हो गया, आईजीएम हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आईजीएम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो यहां पर सारे विटामिन पढ़ लिए, एक विटामिन नहीं पढ़ा, एक पे अम्ल नहीं किया। किस पे अम्ल नहीं किया, तो अम्ल नहीं किया हमने एस्कॉर्बिक अम्ल पे, एस्कॉर्बिक अम्ल पे हमने अम्ल नहीं किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। कैल्सीफेरोल जो आपका होगा, ये होगा आपका जो यहां पर विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरोल। राइबोफ्लेमिन जो है आपका, यहां पर जो राइबोफ्लेमिन दिया हुआ है, ये राइबोफ्लेमिन आपके विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और नियासिन जो है आपका, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो ये आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, तो यहां पर क्लोरीन गैस आएगा। कौन सी गैस आएगा, क्लोरीन गैस। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, तो यहां पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और Cl2 से मिलकर बना होगा। और इसकी क्रिया अगर हम जैसे CaO की क्रिया Cl2 से करवाएंगे, तो यहां पर जल बनेगा और यहां पर जो है CaOCl2 बन जाएगा। तो यहां पर जो है कौन सी गैस आएगी, Cl2 गैस आएगी। हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, नारू रोग का रोगजनक है, नारू या बाला रोग जो है आपका एक क्रेमी से होने वाला रोग है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्रेमी, एलमंथीज, यानी क्रेमी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में ये बीमारी फैली थी और इसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम भी चलाए गए थे। तंबाकू किस कुल का पादप है, तो आप सभी को पता है कि सोलेनेसी कुल का पादप है तंबाकू। तंबाकू में काफी सारे एल्कोइड पाए जाते हैं, निकोटीन जैसे एल्कोइड पाए जाते हैं तंबाकू के अंदर।
माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो माँ के दूध में पाए जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वो है IgA। कौन सा प्रतिरक्षी है? IgA प्रतिरक्षी है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त। 13 अगस्त को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है, और ये जो है आपके चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आप सभी को पता है सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए भी होता है, याद रखना आप सभी। धावन सोडा, दो सोडे होते हैं आपके, एक तो खाने का सोडा, एक होता है धावन सोडा। खाने का सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहां पर है धावन सोडा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं तो वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक बोलते हैं उनको। पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, यानी H+ आयन की सांद्रता का। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम से होती है? तो हम सभी को पता है उदर में जो है अम्लीय माध्यम से होती है। कौन सा अम्ल जो है वो एसिडिटी बनाता है उदर के अंदर? तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 19 में से क्वेश्चन आया है, जैव विविधता वाले में से। अगला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं आप सभी को बता देता हूं, छोटे क्वेश्चंस में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछे जाएंगे। तो यहां पर सभी स्टूडेंट को सूचित करना चाहूंगा कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगाए डॉल्फिन। गंगाए डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो डॉल्फिन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा भाई, डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता, तो ये आपकी कहलाती है जैव विविधता। क्या कहलाती है? जैव विविधता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोडायवर्सिटी, या इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता की जो डेफिनेशन है वो यही होती है, क्या होती है कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति की परिभाषा देनी है आपको, वन लाइनर आंसर है। सब सारे के सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति की परिभाषा आप सभी को पता है, मॉडल पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। और शक्ति की जो परिभाषा है, कार्य संपन्न करने की दर को, कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वाट क्यों होता है? तो जेम्स वाट, जेम्स वाट के नाम पर वाट रखा गया, जिन्हें भाप के इंजन की खोज की थी। साथ में आपको बता देता हूं शक्ति के बारे में, शक्ति की डेफिनेशन मात्रक हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि 1 horsepower में 746 वाट होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। 1 horsepower में, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो एक यूनिट में या एक किलोवाट हॉवर में आपके 3.6×10^6 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं? 3.6×10^6 जूल। तो तीन क्वेश्चन मैंने यहीं से आपको पोस्टमार्टम करके दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक लिखिए। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। आपका यहां पर W बराबर F डॉट S, यानी बल गुणा विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और कार्य का छोटा मात्रक होता है आपका अर्घ। क्या होता है? अर्घ। 1 joule में 10^7 अर्घ होते हैं। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो आपकी उड़न गिलहरी राजस्थान के अभ्यारण्य में ही पाई जाती है, जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। क्या नाम है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जो है, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तृप्त स्थल हैं? तो यहां पर तृप्त स्थल का मतलब है हॉटस्पॉट, 34। पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 हॉटस्पॉट है। इंडिया की बात करूं तो ढाई। कैसे बोल रहा हूं? दो तो आपको बताइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा जो इंडो वर्मा है वो हमारा कुछ हिस्सा इंडिया का भी है, तो दो हो जाएंगे। इंडिया में जो आपके हॉटस्पॉट हैं कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो है यहां पर आपका हो गया पूर्वी हिमालय, एक हो गया पश्चिमी घाट। एक पूर्वी हिमालय, दो हो जाएंगे आपके यहां पर, ठीक है ना। संकटपन जातियों से क्या तात्पर्य है? ऐसी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की जातियां जो संकट ग्रस्त हैं, जिन पे संकट मंडरा रहा है, कुछ समय के अंदर ही विलुप्त हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? संकटपन जातियां, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो सरकार ने कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर मतलब कि वन की कटाई करना, वन्य जीवों का शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंध है, वही क्षेत्र है आपके राष्ट्रीय उद्यान।
वहीं मैं बात करूं पेट्रोलियम के घटकों के नाम, आपको यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 में से पूछा गया है। पेट्रोलियम के घटकों के नाम बताने हैं, जैव विविधता के 3 स्तर बताने हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं जैव विविधता के। लास्ट से लास्ट ईयर भी पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लगा लो इसमें फूल पत्ती लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लयन शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन दे रही है, चैप्टर नंबर 9 में से पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लयन शक्ति को परिभाषित कीजिए इस सत्र में आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र हो गया आपका, स्नेल का नियम हो गया और लयन सूत्र हो गया। तो यहां पर जो है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, स्नेल का नियम और लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये 4-5 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे। तो यहां पर छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वता बनाते हैं, 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक-एक नंबर का होगा, इन टोटल 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ऐसी सीरीज पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर स्टार्टिंग की 10 मिनट में मुझे 100+ लाइक चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।